साहब जी, एक प्रश्न ऐसा अपने जिन शरणम का, देखिए सब भक्त मिलकर आपकी प्रेरणा से जिन शरणम तीर्थ बना रहे हैं, लेकिन आपके मन की अंतर भावना क्या है ये तीर्थ बनाने के लिए, प्लीज बताइए। जिन शरणम तीर्थ का जो सृजन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के भक्त कर रहे हैं, जिनका देव शास्त्र गुरु पे आस्था है वो लोग कर रहे हैं। मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ, मैं तो किसी भी चीज का कर्ता नहीं हूँ। मेरा पथ तो अकर्तावाद का पथ है। लोग कहते हैं मैं जिन शरणम बना रहा हूँ, मैं कैसे जिन शरणम बना सकता हूँ, अभी तो मैं खुद ही जिन शरणम में जा रहा हूँ। मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरे भक्तों ने, मेरे अनुयायियों ने जिस तीर्थ की कल्पना की है वो एक साधारण तीर्थ नहीं होगा, उसमें अंतर्निहित भावनाएं, वो केवल एक पत्थर का तीर्थ नहीं होगा। यदि पत्थर के तीर्थ बनाएंगे तो हमारा धर्म तो पत्थरों का धर्म हो जाएगा, वो एक चैतन्य तीर्थ होगा, वो ऐसा स्थान होगा जहां इंसान को इंसान बनाया जाएगा। इंसान को इंसान बनाने की फैक्ट्री के रूप में वह तीर्थ का निर्माण होगा। वहां पर जो लोग अपनी आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परलोक को सुधारना चाहते हैं, आत्म शांति में जीना चाहते हैं, मेरे पारसनाथ के चरणों में बैठेंगे, आत्म शांति उनको प्राप्त होगी। इतने सारे तीर्थ हैं, आप कह सकती हैं फिर ये तीर्थ क्यों बना। मैं इतना कहूँगा, एक अंक के बाजू में यदि 2 शून्य हैं और 1 शून्य और लगा दिया जाए तो उस 1 अंक की कीमत बढ़ जाया करती है। 1 जैन धर्म के आगे तीर्थ रूपी 0 बढ़ाते जाओ, धर्म की महिमा बढ़ती जाएगी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस जिन शरणम का 1 शून्य बना करके धर्म की महिमा को बढ़ा रहा हूं।